गधा मार खाए जुल्हा, पाकिस्तान की वही हालत होने वाली है। अपने फायदे के लिए चीन इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के साथ 7 अरब डॉलर का हुआ है सौदा भारत को घेरने के लिए। तो वहीं अब भारत ने भी चीन के नाक में उंगली घुसेड़ दी है। भूटान के साथ मिलकर कर रहा है कुछ ऐसा प्लान जिसे देखकर बौखलाएगा चीन, और दक्षिण चीन सागर में ताइवान जो कर रहा है उसे देखकर चौंक जाएंगे आप। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में चीन ने अपने विस्तारवादी नीति के अंतर्गत भूटान के भी कुछ इलाकों पर अपना दावा ठोक दिया था। चीन ने कहा था कि भूटान के साथ उसका लंबे समय से पूर्वी, मध्य और पश्चिमी इलाके में सीमा विवाद है, और भारत की तरफ इशारा करते हुए यह भी कहा था कि किसी तीसरे पक्ष को चीन भूटान सीमा विवाद पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अब भारत ने चीन को उसकी जगह दिखलाते हुए इस झगड़े में कूदने का प्लान बनाया है। बात दरअसल यह है कि भारत ने भूटान के सामने चीन द्वारा क्लेम किए गए इलाके में सड़क बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। चीन भूटान के येती के साथ साथ भारत के तवांग इलाके पर अपना दावा ठोकता है और भारत की यह सड़क दोनों इलाकों से गुजरेगी। इसके साथ ही सड़क बनने के बाद युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना को तवांग तक पहुंचने में कम समय लगेगा। दोनों देशों ने साफ संकेत दिया है कि चीन के खिलाफ भूटान अकेला नहीं है और चीन को भारत द्वारा कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत द्वारा प्रस्तावित यह सड़क तवांग के पास लुमला को भूटान में त्रासिंगेंग से जोड़ेगी। भारत और भूटान दोनों को इसमें अपने सुरक्षा हित दिख रहे हैं। दरअसल ये सड़क भूटान के जिस इलाके से होकर गुजरेगी उसमें भूटान के पूर्वी इलाके में स्थित साकेतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी शामिल है। जून में चीन ने इस सेंचुरी को अंतरराष्ट्रीय फंड मिलने पर विवादित क्षेत्र बताते हुए इस पर अड़ंगा डालने की कोशिश की थी। तब चीन ने यह भी दावा किया था कि भूटान के साथ उसका सीमा विवाद सुलझा नहीं है, जिसके बाद भूटान ने चीन के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। चीन अपने विस्तारवादी नीति के तहत कोरोना के बाद सब देशों की जमीन को हथियाने की योजना पर काम कर रहा है। चीन ने सबसे पहले लद्दाख में भारत के साथ विवाद भड़काया और उसके बाद चीन ने जापान के सेनकाकू द्वीपों पर अपना कब्जा जमाने का प्लान बनाया। इसके बाद चीन ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चीन ने ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने तक की बात कह दी, और हद तो तब हो गई जब चीन ने भूटान की जमीन पर भी दावा ठोक दिया। चीन को लगा था कि भूटान जैसे छोटे से देश की जमीन पर अपना दावा ठोकने के बाद उसे कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि इस विवाद में भारत की एंट्री चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। गलवान मामले के बाद भारत चीन को सबक सिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। भारत में चीनी एप्स बैन करनी हो या फिर चीनी निवेश पर अनौपचारिक पाबंदी लगाना हो, भारत ने चीन को आर्थिक झटके देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब भूटान के सामने सड़क बनाकर भारत संकेत दे रहा है कि भारत चीन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा और भूटान के खिलाफ किसी भी चीनी आक्रामकता को हल्के में नहीं लिया जाएगा। अमेरिका ने एक बड़ा कार्ड खेलते हुए अब तिब्बत पर लगाया है अपना दांव। तिब्बत जो चीन की दुखती रग है, बरसों से वैसे तो तिब्बत को विश्व की शक्तियों ने नजरअंदाज कर दिया था, आज उसी तिब्बत के लिए ज्यादातर विश्व की शक्तियां खुलकर सामने आ रही हैं। अब पहली बार तिब्बती सरकार जो निर्वासित है उसको अमेरिका ने आर्थिक मदद करने की पेशकश की है। अमेरिका ने तिब्बती सरकार का अहम हिस्सा माने जाने वाले सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को 1 मिलियन डॉलर की मदद देने की पेशकश की है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण ये है कि तिब्बती समुदाय जो कि स्वायत्तता के लिए लड़ रही है उसको आर्थिक रूप से मदद करना और चीन की दुखती रग को दबाना। ऐसा पहली बार होगा कि अमेरिका तिब्बत के स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए सामने आकर पैसे दे रहा है। भारत को इस सहायता के लिए अपनी स्वीकृति देनी थी और भारत ने बिना किसी विरोध के इसके स्वीकृति दे दी। अब सच कहें तो अमेरिका और भारत एक्टिव रूप से तिब्बत को आजाद कराने के लिए जी जान से जुट गए हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेरिकी सांसद स्कॉट पेरी ने एक विधेयक पेश किया जिसके अंतर्गत तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने की मांग करी गई है। लद्दाख में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने में जुट गया है चीन,
और अब अरबों डॉलर के हथियार की मदद से पूरी पाकिस्तानी नौसेना का रंग रूप बदलना चाह रहा है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर में विशाल नौसैनिक अड्डा बना रहा है। यही नहीं, चीन अब भारत के दोस्त देश रहे ईरान पर भी डोरे डाल रहा है, जहां भारत ने चाबहार पोर्ट का विकास किया है। आइए जानते हैं कि क्या क्या चीन प्लान कर रहा है। भारत के दूर विरोधी पाकिस्तान की नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए चीन ने अपने हथियारों का जखीरा खोल दिया है। पाकिस्तान ने चीन से युआन क्लास की 7 डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाली सबमरीन के लिए करार किया है। ये सबमरीन ऐसे हैं जो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को टाइप 054A श्रेणी के बहुउद्देशीय स्टिल्थ फ्रिगेट्स दे रहा है, जो रडार को चकमा देने में सक्षम है। और चीन कई अन्य हथियार पाकिस्तानी नौसेना को दे रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ 7 अरब डॉलर की डील करी है। पाकिस्तान आजकल अपना 70% हथियार चीन से ही खरीद रहा है। पाकिस्तान की नौसेना के पास इस समय केवल 9 फ्रिगेट्स, 5 सबमरीन और 10 मिसाइल बोट और 3 माइन स्वीपर हैं। पाकिस्तान को ये हथियार 2021 से 2023 के बीच मिल जाएंगे। पाकिस्तान को मिलने वाली चीनी युआन क्लास की पनडुब्बी दुनिया में सबसे शांत माने जाने वाली पनडुब्बियों में से एक है। इन 8 में से 4 साल 2023 तक पाकिस्तान को मिल जाएगी। चीन अब पाकिस्तान के सहारे हिंद महासागर में पैठ जमाने की कोशिश करता दिख रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर में चीन के नेवल बेस के संकेत मिले हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इस बेस के बनने से हिंद महासागर में चीन की मजबूती और बढ़ जाएगी। हाल के सैटेलाइट तस्वीरों को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पिछले कुछ सालों में यहाँ कई नए कॉम्प्लेक्स बने हैं। इनमें से एक पोर्ट डेवलपमेंट करने वाली चीनी कंपनी है, जहाँ सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही है। पाकिस्तान के पश्चिमी तट पर स्थित ग्वादर चीन की बेल्ट एंड रोड योजना का अहम हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर एंटी व्हीकल रास्ते, सिक्योरिटी फेंसिंग और ऊंची दीवारें खड़ी की गई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ हथियार बंद गार्ड्स तैनात हैं। इस कंपाउंड के नजदीक इमारतों की 2 लाइनें हैं। इनकी छतें नीली होने के कारण अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये चीन के मरीन कॉर्प्स के बैरक हो सकते हैं। लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने के फिराक में लगा चीन अब भारत को उसके घर हिंद महासागर में घेरने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए चीन 2 तरफा अभियान चला रहा है। एक तरफ चीन जिबूती, ग्वादर और मालदीव में नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के शत्रु पाकिस्तान को आधुनिक हथियार देकर उसे ताकतवर बना रहा है। नेवल बेस बनाने से चीन को अपने सैन्य साजो सामान को तत्काल किसी भी जगह भेजने में आसानी होगी। चीन की कोशिश है कि दक्षिण चीन सागर पर कब्जे के बाद दक्षिण एशिया पर अपना दबदबा कायम किया जाए। यही नहीं, चीन बांग्लादेश और श्रीलंका को भी बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई कर रहा है। चीन बांग्लादेश और म्यांमार में नेवल बेस का भी विकास कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में इस वक्त जो हो रहा है उसको देखकर रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। चीन और ताइवान के बीच दक्षिण चीन सागर में सैन्य टकराव गहरा होता जा रहा है। ड्रैगन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। हालांकि पिछले कुछ समय में चीन का रवैया बहुत ही आक्रामक हो गया है, जिसे देखते हुए ताइवान ने भी अपने सालाना होने वाले युद्धाभ्यास में इस बार पहले से ज्यादा डिफेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, ताइवान 1984 से हैंग क्वेंग ड्रिल करता आया है, जिसका मंदारिन में मतलब होता है खोया हुआ जगह वापस पाना। ताइवान ने जहां पानी के रास्ते चीन से हमला होने की स्थिति में निपटने के लिए तामसुई नदी पर युद्धाभ्यास किया, तो वहीं चीन ने बोहाई सागर के तट पर। तामसुई और बोहाई चीन और ताइवान के बीच में आते हैं। ऐसे में भौगोलिक स्थिति के आधार पर दोनों का यह युद्धाभ्यास काफी मायने रखता है। तामसुई नदी पर युद्धाभ्यास का महत्व काफी ज्यादा है। इस नदी के एक किनारे पर ताइवान है तो दूसरे किनारे पर चीन। चीन के फाइटर जेट पिछले कुछ वक्त से ताइवान के काफी नजदीक आ चुके हैं। वहीं चीन भी ईस्ट चाइना सी में बोहाई समुद्र के तट पर युद्धाभ्यास कर रहा है, जहां से वह ताइवान पहुंच सकता है।
चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की थल सेना ने यहाँ पर अपने हथियारों के साथ कई ड्रिल किए हैं। इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम की प्रैक्टिस की गई है, साथ ही रडार से उपकरण न जाम हो इस क्षमता को बेहतर बनाने की भी कोशिश की गई है। गुआंडू एरिया कमांड ने मंगलवार दोपहर को तामसुई नदी से दुश्मन के घुसने की स्थिति से कैसे निपटा जाए सैन्य उपकरणों के साथ इसका युद्धाभ्यास किया। यह कमांड तामसुई नदी की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है और राजनीतिक और आर्थिक केंद्र ताइपेई की सुरक्षा संभालता है। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि ताइवान गुआंडू एरिया कमांड में नदी से दुश्मन के दाखिल होने की स्थिति में कैसे निपटेगा इसका भी युद्धाभ्यास कर रहा है। ताइवान किस तरह की तैयारी कर रहा है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आम लोगों से लेकर डिफेंस टीमों तक सभी को शामिल किया जा रहा है इस युद्धाभ्यास।